अपरा प्रकृति यानी ये जो प्रकृति है अपने आपको तीन अवस्थाओं में रचती है, रचना करती है। हम आप स्थूल अवस्था वाले हैं, स्थूल पंचभूतों से अपना शरीर और संसार बना हुआ। तो ये जो स्थूल शरीर है इसकी सीमाएं स्थूल जगत तक ही सीमित हैं, इसी से संबंधित वो भोग करता है, क्योंकि स्थूल पंचभूतों के द्वारा शरीर भी बना हुआ है और ये संसार बना हुआ, तो आपस में दोनों का मेल है। तो ये दोनों आपस में यानी शरीर जो संसार में अन्य वस्तुएं हैं स्थूल पंचभूतों से यही भोग करती रहती है यानी ग्रहण करती रहती है। जैसे ये शरीर बना और ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी तो वही स्थूल पंचभूतों से बने, उनमें जो फल हुआ या उनसे जो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग बना लेते हैं, अपनी सुविधाजनक कोई भी वस्तु बना लेते हैं और उसी को खाने लगे, उसी से तृप्त होने लगे। इसी तरह से ये जीवन चलता है, ठीक है। अब फिर दूसरे शब्दों में, जब जीव जन्म लेने के लिए आता है तो अपने साथ अपनी संगिनी कुंडलिनी शक्ति को भी साथ लाता है और उसके साथ प्राण शक्ति भी होती है। फिर वो धीरे धीरे नीचे को गमन करते हैं। वो जो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे नीचे की ओर गमन करके मूलाधार चक्र में त्रिकोण के मध्य जो शिवलिंग है उसमें 3.5 चक्कर लगा करके सुषुप्तावस्था में विद्यमान हो जाती है और जीव के साथ प्राण शक्ति भी आती है। तो वे सभी यानी चित्त से लेकर स्थूल तक धीरे धीरे व्याप्त हो जाते हैं प्राण शक्ति, ऐसा समझना। जीव के साथ यानी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी आती है। इस तरह से ये यानी शरीर चलता है, व्यवहार करता है। और जब ये शरीर जो ये छूटता है या मृत्यु को प्राप्त होता है तो इससे जो सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है सिर्फ संबंध टूट जाता है। चित्त वो कारण शरीर वो नीले रंग का दिखता है, अभ्यासियों को छोटा साइज का दिखता है और सूक्ष्म पदार्थों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ जो ज़्यादातर श्वेत रंग का दिखता है और ये स्थूल शरीर रक्त वर्ण का दिखता है। तो स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर विद्यमान रहता है। इसी प्रकार से प्रकृति की जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, जैसे पहले कारण बना, कारण अवस्था में आई, फिर स्थूल सूक्ष्म अवस्था में आई, फिर स्थूल अवस्था में आई। इसलिए स्थूल अवस्था में सूक्ष्म विद्यमान है, सूक्ष्म अंदर कारण अवस्था विद्यमान है। इसी तरह से क्रमशः जब यानी कारण शरीर अत्यंत सूक्ष्म है और व्यापक है, उसकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीर की व्यापकता कम हो गई और इसके बाद स्थूल शरीर की व्यापकता ख़त्म सी हो गई, सिर्फ स्थूल शरीर ही इसी साइज का रह गया। और सभी ये समझते हैं कि मैं ही हूँ यानी शरीर ही मैं हूँ, मगर ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी बताया संक्षेप में, ज़्यादा बताऊँगा तो बहुत समय हो जाएगा। और ये भूल गए कि हम ये नहीं हैं, हम क्या हैं, हम जीव हैं, चेतन तत्व हैं। ये हमें भोग करने के लिए गया है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.